दोस्तों ये कहानी जिया किंटो नाम के एक ऐसे आदमी के बारे में है जो अपने 3 दर्जन फैमिली मेंबर के साथ रोम के एक छोटे से गटर के जैसे रूम में रहता है। दरअसल जिया किंटो अपने पूर्वज फैमिली के साथ रहता है, इसीलिए उसके फैमिली में टोटल 36 मेंबर है। लेकिन उनके पास रहने के लिए सिर्फ एक ही छोटा सा घर है, इसीलिए उन्होंने उस घर को गोदाम से भी बदतर हालत कर दिया है। उनके घर में प्राइवेसी नाम की कोई भी चीज नहीं थी, क्योंकि उनके घर में सिर्फ एक ही बाथरूम था जिसमें जिया किंटो सारा दिन बैठा रहता था, जिस वजह से उनके घर में बच्चे से लेकर जवान औरत नंगी होकर उनके सामने कपड़े बदलते थे और इस चीज को करने में उन्हें कोई भी शर्म महसूस नहीं होती थी। दरअसल कई सालों पहले जिया किंटो अपनी एक आंख को गवा दिया था, जिस वजह से उसे इंश्योरेंस कंपनी से ढेर सारा पैसा मिला है। लेकिन इतनी गरीबी होने के बावजूद वो इन पैसों को अपने फैमिली के साथ बांटना नहीं चाहता है, इसीलिए जब भी उसका बेटा उससे पैसे मांगने के लिए आता है तभी वो उसे पैसे देने से इनकार कर देता है और उसे मारकर वहाँ से भगा देता है। साथ ही साथ जिया किंटो जब सोता है तभी वो अपने साथ एक बंदूक को रखता है, क्योंकि वो जानता है कि उसके सोते ही उसके घर के कोई न कोई उसका पैसा चोरी कर लेगा। इसलिए एक आंख फूटने के बाद से उसने अपनी दूसरी आंख कभी भी बंद नहीं किया, यहाँ तक कि रात को वो जाग कर अपने पैसों का पहरा देता है। साथ ही साथ उसे अधेड़ उम्र की औरतों को छेड़ने में भी काफी मजा आता है, इसलिए मौका मिलने पर वो इस नेक काम को करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ता। एक आंख फूटा हुआ होने की वजह से वो लड़कियों को आग भी मारता है और लड़कियों को इसके बारे में पता भी नहीं चलता। खैर वो लोग जिस शरीफों के मोहल्ले में रहते हैं उस मोहल्ले के ज्यादातर शरीफ लोग चोरी करना ही पसंद करते हैं, जिससे उन्हें रोजगार के साथ साथ 2 वक्त की हराम का खाना भी मिल जाता है। जिया किंटो की बड़ी बेटी पैसे कमाती है, लेकिन इसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। दूसरी तरफ उसकी छोटी बेटी दूसरों के घर में पोछा लगाने का काम करती है, और एक दिन जब वो अपनी बड़ी बहन के साथ जा रही थी तभी वो उसे कहती है कि पैसे कमाने के लिए सब कुछ करना ठीक नहीं है, जिसको सुनकर बड़ी बहन कहती है कि दूसरों के घर में पोछा लगाने से ये काम बहुत बेहतर है। खैर इधर जिया किंटो का छोटा बेटा पैर में वैक्सिंग करता है और प्रोस्टिट्यूट की तरह सजकर लोगों को पागल बनाकर पैसे कमाता है। जिया किंटो की फैमिली में इतनी गरीबी थी कि सुबह से लेकर शाम तक उनके घर में खाना पीना के साथ साथ मारपीट भी चटनी की तरह परोसा जाता था। जिया किंटो अपने पैसों को लड़कियों के ऊपर और दारू पीने के लिए खर्च करता था, और नशा टूट जाने के बाद वो हर रोज भूल जाता था कि उसने किस काम से पैसों को खर्च किया, इसीलिए वो हर रोज पैसों को गिनकर उसे अलग अलग जगह पर छुपाता था, और पैसों को छुपाने से पहले वो अपनी बूढ़ी माँ को हर रोज एक कपड़े से ढक देता था। एक दिन जिया किंटो की फैमिली को पता चलता है कि उसकी बूढ़ी माँ को पेंशन का पैसा मिलने वाला है, जिसको जानने के बाद वो सभी जोर जबरदस्ती उन्हें पेंशन ऑफिस लेकर जाते हैं, और पैसों को निकालने के बाद वो लोग पैसों को लेकर लड़ाई करने लगते हैं और अपनी बूढ़ी माँ को अपने बच्चों के साथ छोड़ देते हैं। उनके घर में गरीबी इतनी कूट कूट कर भरी हुई थी कि पैसों के लिए वो लोग किसी भी काम को करने से मना नहीं करते थे, जबकि जिया किंटो के पास ढेर सारा पैसा था, लेकिन वो उन पैसों को अपनी अय्याशी में ही उड़ाता था। एक दिन वो दारू पीकर रात में जब सो रहा था तभी वो सपने में देखता है कि उसके फैमिली ने उसका सारा पैसा चोरी कर लिया है और उससे वो लोग ऐश कर रहे हैं, जिसके बाद वो नींद से उठकर अपने पैसों को चेक करने के लिए जाता है, लेकिन दीवार तोड़ते ही वो देखता है कि वहाँ पर उसका एक भी पैसा नहीं था, जिस वजह से वो बौखला जाता है और घर को तहस नहस करके पैसे को ढूंढने लगता है। इसी दौरान उसे अपने बेटे के ऊपर शक होता है कि उसने ही जरूर उसका पैसा चोरी किया होगा, इसीलिए वो उसे समझने के बजाय उसे सीधा गोली मार देता है, जिस वजह से उसे पुलिस अरेस्ट कर लेते हैं, लेकिन अगले ही दिन वो पैसों के दम से जेल से छूट जाता है। दूसरी तरफ घर के सभी लोग उन पैसों को घर के चारों तरफ ढूंढ रहे थे, लेकिन उन्हें वो पैसा कहीं पर भी नहीं मिल रहा था। तभी वहाँ पर जिया किंटो आ जाता है और वो सीधा बाथरूम में जाकर उन पैसों को निकाल लेता है। दरअसल जिया किंटो ने बाथरूम में पैसे छुपाया था, लेकिन नशे में होने की वजह से उस दिन उसे ये बात याद नहीं था। खैर उसके जाने के बाद घर के सभी लोग उस आदमी को बहुत बुरी तरीके से मारते हैं जिसने कहा था कि उसने बाथरूम को अच्छी तरीके से चेक किया है। उधर जिया किंटो जब एक जगह पर दारू पी रहा था तभी वो एक प्रोस्टिट्यूट को देखता है और उसके पास जाकर उससे बात करता है। जिया किंटो उससे कहता है कि वो काफी अकेला है और उसे उसके घर में कोई भी प्यार नहीं करता है, और सभी लोग उसके पैसों को उससे छीनना चाहते हैं।
है, जिसके बाद जियाकिंतो उस औरत के साथ काफी गुलछर्रे उड़ाता है और रात को वो उसे अपने घर लेकर जाता है। यहाँ पर वो अपनी बीबी को उसके बिस्तर से उठने के लिए कहता है और कहता है कि ये आज से मेरी दूसरी बीबी है। जिसके बाद दिन के दिन वो उस प्रोस्टिट्यूट के ऊपर काफी घुल मिल जाता है और वो उसके ऊपर उन पैसों को भी खर्च करने लगता है जिसको उसने अपनी बीबी और बच्चे को भी नहीं दिया था। साथ ही साथ वो घर के लोगों को जाहिल करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रहा था, जिस वजह से घर के सभी लोग उससे नफरत करने लगे थे और उसे मारने के लिए वो लोग प्लान बनाने लगते हैं, जैसे कि सिद्धू मूसेवाला को मारने के लिए भी प्लान बनाया गया था। खैर, एक दिन जब घर के सभी लोग चर्च जाते हैं तभी वो लोग वहाँ पर इस घटना को अंजाम देने का फैसला करते हैं, जिसके बाद वो लोग एक गाड़ी में भैंसों की तरह लोड होकर एक रेस्टोरेंट पर जाते हैं, जहाँ पर पहुंचकर वो लोग जियाकिंतो के खाने में जहर मिला देते हैं। जियाकिंतो जब उस खाने को खाता है तभी उसे पहले तो कुछ भी समझ में नहीं आता, लेकिन थोड़ी देर में वो समझ जाता है कि उसके खाने में जहर मिलाया गया है। इसीलिए वो उन लोगों से कहता है कि मरने से पहले मैं पुलिस को इसके बारे में बता दूंगा कि तुम सभी ने मिलकर मेरे खाने में जहर मिलाया है। जिसके बाद वो साइकिल लेकर वहाँ से पुलिस स्टेशन जाने लगता है, जबकि उसे पुलिस स्टेशन की बजाय हॉस्पिटल जाना चाहिए था। दरअसल जियाकिंतो अपने आप को बचाने के लिए नहीं बल्कि उन लोगों को मरवाने के लिए जा रहा था, लेकिन जहर खाने की वजह से वो ज्यादा दूर तक नहीं जा पाता और एक नदी के किनारे आकर गिर जाता है। अब क्योंकि उसने पूरा खाना नहीं खाया था, इसीलिए वो उल्टी करके उस खाने को निकाल देता है जिसमें जहर मिला हुआ था, जिस वजह से वो बच जाता है। इसके बाद वो रात में अपने घर में दारू छिड़क कर उसमें आग लगा देता है और दूर से अपने परिवार को मरते हुए देखने लगता है। लेकिन इससे पहले कि वो आग पूरे घर में फैल जाता, घर के सभी लोग इसके बारे में जान जाते हैं और वो लोग घर से बाहर निकल जाते हैं। बाहर वो लोग जियाकिंतो को एक पेड़ में चढ़ा हुआ देखते हैं और उसे पत्थर फेंक कर फिर से जान से मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे उसे कुछ भी नहीं होता। अगले दिन वो सभी लोग उस घर को ठीक करने की कोशिश करते हैं और वहीं दूसरी तरफ जियाकिंतो उस घर को एक आदमी को बेच देता है, ताकि उसकी फैमिली बेसहारा होकर रास्ते में भीख मांगने में मजबूर हो और वो उन पैसों को लेकर उस प्रोस्टिट्यूट के साथ गुलछर्रे उड़ाने लगता है। इसके कुछ दिन बाद वो आदमी जिसने उस घर को खरीदा था वो अपने फैमिली के साथ, जो कि लोकल ट्रेन की तरह ही खत्म नहीं हो रहा था, उनको लेकर जियाकिंतो के घर पर आता है, जो कि अभी उसका हो चुका था। वो जियाकिंतो के फैमिली को घर को खाली करने के लिए कहता है, लेकिन वो लोग घर को खाली तो नहीं करते बल्कि हाथापाई में उतर आते हैं। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि जियाकिंतो अपने पैसों से एक गाड़ी खरीदता है और वो उस गाड़ी को लाकर सीधा अपने घर में घुसा देता है, जिससे उनका घर गटर से कबाड़ खाने में बदल जाता है। लेकिन वो लोग उस कबाड़ खाने को गिरने से रोकते हैं और फिर वो दोनों फैमिली ही उस घर में ही रहने लगते हैं, जहाँ पर जियाकिंतो अपने 3 दर्जन फैमिली मेंबर और 2 बीबी के साथ रहता था। वहीं दूसरी तरफ वो फैमिली जिसने उस घर को खरीदा था वो भी अपने पूर्वजों के फैमिली को लेकर वहाँ पर रहने लगते हैं। साथ ही साथ जियाकिंतो अभी भी अपने घर के सभी लोगों के ऊपर शक भी करता है और अपने पैसों को अपने हाथ में लगा हुआ प्लास्टर के अंदर छुपा कर रखता है। वो चाहता तो है उस घर के सभी लोगों को मारकर उस घर के यानी उस गटर का राजा बनना, जिसके लिए वो रात भर जगकर प्लान बनाता है। और दोस्तों, इसी के साथ ही इस मूवी की कहानी खत्म हो जाती है।